हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं सामान्य ज्ञान के बारे में। इसमें हम लोग इतिहास टॉपिक लिए हुए हैं। इतिहास में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी ब्रिटिश साम्राज्य के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में। जितने भी गवर्नर जनरल हुए, वायसराय, उन सभी को देख लिया था। अब हमें बात करनी थी ब्रिटिश शासन की भू राजस्व नीतियों के बारे में। ब्रिटिश शासन की जो भू राजस्व नीतियाँ रहीं उनके बारे में देखना है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम बात करते हैं स्थाई बंदोबस्त के बारे में। स्थाई बंदोबस्त, इसे स्तंभ राय या चिर स्थाई या फिर जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो स्थाई बंदोबस्त के अन्य नाम आपको याद रखना है, स्तमरारी, चिर स्थाई, जमींदार बंदोबस्त भी कहा जाता है। पूछ लेगा कि स्थाई बंदोबस्त के अन्य नाम क्या हैं, तो आपको याद रखना है। यह 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा में लागू की गई थी। किस द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा में लागू की गई थी। यह व्यवस्था जानसोर व जैम सम्राट जेम्स ग्रांट भी जुड़े थे। इस व्यवस्था से आपके जॉन सोर जेम्स ग्रांट भी जुड़े थे। किसानों के भूमि संबंधी अधिकार समाप्त कर जमींदारों को भूमि मालिक बनाया गया। कुल ब्रिटिश क्षेत्र का 19% कुल ब्रिटिश क्षेत्र का ये 19% भाग था। फिर है आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसके जन्मदाता थॉमस मोनरो एवं कैप्टन रीड थे। यह व्यवस्था मद्रास बम्बई में लागू की गई। कहाँ की गई? मद्रास और बम्बई में। रैयतवाड़ी व्यवस्था का सर्वप्रथम बारामहल तमिलनाडु में लागू की गई थी। तो याद रखना है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का सर्वप्रथम बारामहल तमिलनाडु में लागू किया गया। इसके अंतर्गत प्रत्येक जमींदारक को भू स्वामी स्वीकार करके उसके साथ लगान की शर्तें तय की गई थी। कुल ब्रिटिश भूमि का 91% भाग पर लागू थी। फिर आती है आपकी महालवाड़ी बंदोबस्त। इस पद्धति के जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मार्टिन्स वार्ड थे। कुल ब्रिटिश भूमि का 30% भाग पर ये लागू थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत दक्कन के कुछ जिले, संयुक्त प्रांत आगरा, अवध, मध्य प्रांत, पंजाब के कुछ हिस्से शामिल थे। इसके व्यवस्था में प्रत्येक महल, जागीर या गांव के अनुसार अंग्रेजों ने राजस्व निश्चित किया था। अब बात करते हैं धन का बहिर्गमन। ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन के बहिर्गमन के दिशा में प्रथम प्रयास दादाभाई नौरोजी ने किया था। किसने? दादाभाई नौरोजी ने। इसके अनुसार भारतीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसका कोई प्रतिफल नहीं मिलता था। आर सी दत्त की पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को आर्थिक इतिहास की पहली पुस्तक माना जाता है। याद रखना, आर सी दत्त की पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को आर्थिक इतिहास की पहली पुस्तक माना जाता है। बात कर लेते हैं यहीं ब्रिटिश काल में विदेशों में भेजे गए शिष्टमंडल। ये वर्ष हो गया, ये आपके शिष्टमंडल हो गया, देश हो गया, वो गवर्नर जनरल या वायसराय। 1787 में किरिकपैट्रिक शिष्टमंडल, ये आपका नेपाल भेजा गया कॉर्नवालिस के समय। 1797 मेलकम शिष्टमंडल, एक ईरान भेजा गया वेली जली के काल में। 1808 में एल्फिस्टन शिष्टमंडल, ये काबुल भेजा गया मिंटो के समय। 1808 में मेलकम शिष्टमंडल सेकेंड, ये आपका ईरान भेजा गया मिंटो के समय। 1809 में
आपका डेविड सेटान शिष्टमंडल सिंध भेजा गया मेंटो के काल में। 1892 में रॉबर्ट्स शिष्टमंडल ये आपका काबुल भेजा गया लैंस डाउन के समय। 1893 में हेनरी डूरंड शिष्टमंडल ये आपका काबुल भेजा गया लैंस डाउन के समय, किसके लैंस डाउन। फिर 1903 में यंग हस्बैंड शिष्टमंडल ये तिब्बत भेजा गया करजन के समय। 1904 में डैन शिष्टमंडल ये काबुल भेजे गए करजन के समय में। 1912 में डॉक्टर अंसारी मिशन चिकित्सा ये तुर्की भेजा गया था हार्डिंग के समय। 1938 में डॉक्टर अटल मिशन चिकित्सा ये चीन भेजा गया था लिन लेथगो के समय। अब आपके कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी प्रमुख वचन एवं नारे हैं। पूछ लेते हैं कई बार कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये किसका नारा है, तो आपको बता देना है बाल गंगाधर तिलक का। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये बाल गंगाधर तिलक का है। सर्व फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये आपका रामप्रसाद बिस्मिल। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये आपका इकबाल से संबंधित है। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद का नारा किसने दिया सुभाष चंद्र बोस ने। हे राम आपका महात्मा गांधी ने कहा। जनगण मन अधिनायक जय है ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज ये आपका जवाहरलाल नेहरू। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है ये आपका भगत सिंह ने कहा था। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, बाद में मोहम्मद इकबाल ने भी कहा। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी ये किसने कहा था लाला लाजपत राय ने। आराम हराम है ये किसने कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा ये आपका कहा था लॉर्ड एल्गिन ने। वंदे मातरम आपके वाकिम चंद चटर्जी ने कहा। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो महात्मा गांधी। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारत हिंदू हरीश चंद। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है सी आर दास। यह एक ऐसा चेक है था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था ये थे महात्मा गांधी ने कहा था। क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में किसके क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में कहा था। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले ये आपके महात्मा गांधी ने कहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के पूर्व विजय विश्व तिरंगा प्यारा ये आपके श्यामलाल गुप्ता पारिषद से संबंधित है। वेदों की वो लोटो का नारा दिया दयानंद सरस्वती साहब ने। तो चलिए आपकी कुछ अंग्रेजों की भूराजस्व नीतियाँ थी, कुछ महत्वपूर्ण आपके नारे थे, ठीक है, जो वन डे एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में हम लोग बात करेंगे।